हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि टुडे आई विल बी शेयरिंग माय सीक्रेट्स विच आई डू फॉर माय स्किन। मैं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। एक्चुअली जिस तरह से मैंने अपने किचन में से प्लास्टिक को बहुत हद तक एलिमिनेट किया है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग केमिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई life as much as possible. practically completely eliminate करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं यह थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी तो हम लोग का रहेगा ही केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर जितना हो सके मैं इतना कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्किन रेजीम जो मैं करती हूँ अपने ऊपर एवरीडे उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं आफ्टरनून के टाइम से शुरू कर रही हूँ। जनरली मैं बिफोर टेकिंग माई शावर एक या दो घंटे पहले I try to apply some or the other thing on my face, whichever is available at my home, I try to use that. For example, हर घर में टोमेटो होता है तो you can just cut a piece of tomato and apply it on your face, आधा घंटा या एक घंटा रखा और नहाते वक्त उसको ऐसे simple water से wash कर लिया, then you can, मतलब मैं जो भी खाती हूँ उसको लगा भी लेती हूँ। तो इस तरह से cucumber हो गया, potato, lime, orange, जैसे हम ऑरेंज खा रहे हैं तो उसका जो एक पार्ट होता है उसको थोड़ा पील करके लगा लिया। इस तरह से वट एवर नेचुरल कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट जो हम लोग अपने फेस पे लगा सकते हैं वो मैं लगाती हूँ। एंड ऑल्सो सम मोर लाइक एलोवेरा हो गया, इस टाइप के मैं कुछ कुछ चीज़ यूज़ करती रहती हूँ। तो टुडे आई थॉट वाई नॉट टू स्टार्ट विद द बेसिक ब्यूटी ट्रीटमेंट विच वी आई गेस वी ऑल नो अबाउट, दैट इज़ उपटन। तो क्योंकि मेरा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आई विल बी टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी, साथ में थोड़ा सा बेसन और इन सबको मैं मिलाऊंगी मलाई में, फ्रेश क्रीम जो होता है दूध के ऊपर जो मलाई जमता है उसमें इन दोनों चीज़ों को ऐड करूंगी। और जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आई गेस दे शुडंट यूज़ मलाई दैट मच, तो आप थोड़ा सा मलाई लो और साथ में आप एलोवेरा का जेल या कोई क्यूकम्बर जूस इस तरह का कुछ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आई कैन अप्लाई इट। तो मैंने सोचा हम लोग सबको आता है ये नुस्खा आई नो, बट हम लोग एक बार भूल जाते हैं करना, तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ इसको हफ्ते में एक बार करना। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये वो हल्दी पाउडर नहीं होना चाहिए जो हम लोग कुकिंग में डालते हैं, पीला कलर आ जाएगा फेस के ऊपर, फिर उसको निकालने के लिए फर्दर फेस वॉश या कुछ और चीज़ का हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा जो कि जनरली हम लोग के लिए आजकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कस्तूरी हल्दी वी शुड यूज़ जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, बट मेरे एक वेरी डियर फ्रेंड ने मुझे उनके फार्म का फ्रेश ये टर्मरिक पाउडर दिया हुआ है तो मैं वही यूज़ करूँगी। बट ऑफकोर्स जब वो ख़त्म हो जाएगा देन आई विल ऑल्सो बाय फ्रॉम अमेजोन, कस्तूरी हल्दी बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं उपटन लगा लूँ, और मैंने इस वक्त फेस में कुछ भी नहीं किया, माय फेस इज़ क्लीन, मैंने फेस को सिर्फ पानी से वॉश कर दिया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बस अब मैं उपटन लगा के उसको एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी एंड देन आई विल टेक माय शावर और उस वक्त मैं इसको सिंपल वाटर से निकाल लूँगी। बट इतना ध्यान रखिए कि हल्दी पाउडर कस्तूरी हल्दी हो या फ्रेश हल्दी कहीं से अगर आपको मिले ऑर्गेनिक भी, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज उससे कलर फिर भी आ सकता, तो अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी पाउडर यू शुड यूज़। एंड हल्दी पाउडर इज़ वन सच एंटीसेप्टिक जो कि आपने आपके फेस पे कोई भी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो भी क्योर कर देता है, सो दैट्स व्हाई हल्दी पाउडर इज़ वेरी एसेंशियल। बेसन विल हेल्प टू होल्ड योर पैक ऑन द फेस एज वेल एज वो क्लेंजिंग का भी बहुत अच्छा उसका रोल है, तो इट क्लींजेज योर फेस ऑल्सो वेरी गुड। और मलाई विल ऑब्वियसली गिव सम मॉइस्चराइजिंग टू द स्किन। तो इस तरह से ये तीन चीज़ मिला के मैं फिलहाल एक पैक लगाती हूँ। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 2 टीस्पून मलाई ले लिया है फ्रेश एकदम, और इसको मैंने व्हिप कर लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, मैं बस इतना सा ही हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून बेसन ऐड करूँगी, ये मैं बेसन ऐड कर रही हूँ।
दिस इज़ द ईजीएस्ट वी कैन हैव और ये हर घर में मौजूद रहता है। और आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं एकदम अच्छे से मिक्स करके आई विल नाउ अप्लाई इट ऑन माई फेस। ब्रश से भी लगा सकते हो या फिर इससे भी हो जाएगा। तो ये मैंने अभी लगा लिया है अच्छे से और इसको मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से 40 मिनट्स तक रखूंगी अपने ऊपर। और इन द मीन टाइम आई विल फिनिश अप माय अदर हाउस होल्ड कोर्स और मैं आपको उसको वॉश करके दिखाऊंगी। बिल्कुल भी कोई येलो स्टेन या येलोइश नहीं दिखता ये फेस बिल्कुल भी। तो मैं जनरली इसी तरह से लगा लेती हूँ। मैं ये हफ्ते में एक बार करती हूँ तो मैं इसको लगा के काम करके देन आई गो फॉर माय शावर तब मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और देयर इज़ थोड़ा सा भी हल्दी का दाग नहीं है। देयर इज़ नो येलोइश टिंज ऑल्सो ऑन माई फेस। और अब मैं शावर ले लूँगी एंड देन I'll take my lunch and some nap and उसके बाद फिर मैं evening का आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपना skin care करती हूँ। अभी evening के time before going out for my walk I generally massage my face with a gel, aloe vera gel basically I massage my face with every evening I do that here around 6-7 o'clock के अंदर। earlier I was using Patanjali, अभी भी थोड़ा बहुत बचा है वो use करती हूँ बट पतंजलि एलोवेरा जेल में देर इज़ ग्रीन कलर एडेड तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ इट कि वो कितना अच्छा होगा नहीं होगा। तो राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम अमेजोन। इसमें लिखा तो है वैसे कि पैराबेन फ्री है, देर इज़ नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो कलर एंड नो सिंथेटिक फ्रेगरेंस। सो दे आर claiming it to be 99% pure aloe vera and you can get this easily from Amazon if you can see the product। और इस तरह के दो तीन और products मैंने देखे हैं which are organic and they are also claiming that they are chemical free as such। I know 100% तो possible नहीं है करना but at least काफ़ी हद तक तो नहीं रहता है तो that's why I've started using this। भी ज़्यादा नहीं हो इतना मैंने use किया तो आई एम फाइंडिंग इट ओके। आई विल मसाज माई फेस विद दिस जेल फॉर 5 to 10 minutes, नॉट ज़्यादा भी नहीं, 5-7 minutes कह सकते हैं एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ विथ प्लेन वाटर। और मैं फिर से कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी क्योंकि मैं जनरली इवनिंग के टाइम जबकि थोड़ा अंधेरा हो चुका होता है तब आई प्रेफर वॉकिंग। तो टैनिंग का डर नहीं है बट अगर आप कभी सुबह के टाइम अगर वॉक में जाते हो या कोई और एक्सरसाइज करते हो लाइक जॉगिंग, रनिंग, वॉट एवर, देन ऑफकोर्स अप्लाइंग अ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिंस मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो इस वक्त मैं क्योंकि मैंने आफ्टरनून में शावर के पहले वो उबटन लगाया था तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी तक फेस में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। And right now I will massage it with this and wash off and then I'll go for my evening walk। तो पहले मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए मसाज कर लूँगी। I just dab the towel on my face, I don't rub it। And my evening का ये बस यही रहता है स्किन केयर। और इसके बाद after coming from my walk, क्योंकि बहुत sweating होगा I'll apply my face wash। So I have just returned from my 10 kilometers walk और अभी I am बहुत sweat भी हो रहा है as you can see। और आके ही मैंने एसी चला दिया, काफ़ी ह्यूमिडिटी भी है और बहुत गर्मी भी लग रहा है। सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम माई वॉक आई फर्स्ट वॉश माई फेस विद दिस फेस वॉश। ये भी मुझे केमिकल फ्री, मतलब ऑल द हार्मफुल केमिकल फ्री है ये भी। दिस इज़ अ ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक।
ये मैंने रिसेंटली आई फाउंड दिस आउट फ्रॉम माई फेवरेट DLF मॉल, तो फिलहाल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज आई यूज टू यूज़ पतंजलि, हिमालया, न्यूट्रोजिना. इवन न्यूट्रोजिना इज ऑल्सो वेरी गुड फेस वॉश. राइट नाउ मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और इसमें लिखा भी है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. तो अभी पहले इससे फेस वॉश करके अपने फेस को क्लीन कर लूँगी. अभी नाइट टाइम हो गया, आई एम जस्ट अबाउट टू स्लीप. और सोने से पहले मैं अपना लास्ट दिन का जो रहता है स्किन केयर वो करती हूँ. तो उसके लिए ये मेरे पास एक एलोवेरा लीफ है. एक्चुअली मैंने 2-3 गमलों में इस तरह से एलोवेरा लगा के रखा है और ऐसे ये एक एलोवेरा मेरे लिए आराम से 8-10 दिन के चल जाएगा. तो इसको मैं फ्रिज भी रख सकती हूँ, बाहर भी रख सकती हूँ, ये कुछ ख़राब नहीं होता है. मैंने ये इस तरह से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है ये, और इसको अब मैं अपने पूरे फेस में लगा लूँगी और इवन आईज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर भी लगा लूँगी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और ऐसा ही मैं छोड़ दूँगी रात भर के लिए, और कल जब सुबह उठूँगी देन ओनली आई विल वॉश इट विथ प्लेन वाटर. और बस इस तरह से इसको मुझे रात भर रखना है. तो आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. इसे आंखों के ऊपर भी लगाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, और अगर ये हम लोग अपने पिल्लो के साथ रब भी कर लेते हैं रात भर तो भी कुछ स्टेन या कुछ भी नहीं आता पिल्लो के ऊपर. अगर आपको उतना पसंद नहीं तो यू कैन कीप वन टॉवल ओवर योर पिल्लो, बट मैं तो नहीं रखती हूँ. वैसे भी 2-3 दिन बाद तो पिल्लो का बस वॉश करना ही चाहिए, तो वॉश कर लेती हूँ. तो इस तरह से पूरे फेस एंड नेक्स्ट साइड में भी, और इसको थोड़ा सा लगा लेने के बाद ये थोड़ा ड्राई होने, तो फिर इसको थोड़ा सा दबा दे अगर विद द हेल्प ऑफ योर नेल्स, तो अगेन फ्रेश जूस ऑफ द जेल विल कम आउट. और इसको दोबारा से लगा लिया और अगर आपको पसंद नहीं है इसको, इफ यू डोंट वांट टू कीप इट फॉर द एंटायर नाइट, तो सोने के आधे घंटे पहले आप लगा लो एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप यू कैन वॉश इट ऑफ. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको रात भर रख सको तो बहुत ही अच्छा है. इनिशियली शायद थोड़ा सा अजीबोगरीब लगे, मुझे भी लगा था, बट अभी काफ़ी दिन हो गए मैं ऐसा कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है. यू डोंट नीड एनी नाइट सीरम या नाइट स्किन क्रीम जो होते हैं, ऑल आर अल्टीमेटली केमिकल्स ओनली. तो अगर ऐसे रेडीमेड फ्री ऑफ कॉस्ट इतना प्योर चीज़ मिल जाए घर में देन देर इज़ नो प्रॉब्लम. और हाँ, इसका एक और यूज़ है, मैं जब सोने जाती हूँ तो इसका जो सेकेंड पार्ट भी है उसको मैं अपने पैरों के नीचे रगड़ लेती हूँ, तो उससे हील्स जो होते हैं वो क्रैक तो नहीं होते हैं और सॉफ्ट भी रहता है मेरा पैर और क्लीन भी रहता है. तो वो एकदम लास्ट में जब मैं सोने जाऊँगी देन आई विल डू इट. तो ये था मेरा नाइट का जो नाइट क्रीम यू कैन से वो. और अब मैं कल मिलूंगी सुबह आपको जब मैं इसको वॉश करके जब नेक्स्ट ट्रीटमेंट करूंगी, दैट टाइम आई विल मीट अगेन. तब तक मैं इसको अच्छे से लगा लूं. और मिलती हूँ मैं कल सुबह. अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है और जो मैंने रात को एलोवेरा लगाया था उसको मैंने सुबह ब्रश करने के बाद ही मैं तुरंत पानी के साथ वॉश कर लेती हूँ. और उसके बाद आई अप्लाई दिस फेशियल टॉनिक मिस्ट. एक्चुअली ये रोज़ वाटर है फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल, तो इसको मैं एवरी मॉर्निंग सुबह यूज़ करती हूँ आफ्टर वॉशिंग माई फेस विथ वाटर. तो जस्ट अ जेनरस अमाउंट ऑफ स्प्रे. और बस ये खुद ही ड्राई हो जाता है और इसको मैं वैसे ही रख लेती हूँ अपने फेस पे. और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट दिस विल गो अ लॉन्ग वे. ये ऑलरेडी मैंने ये 2 वीक्स के ऊपर हो गया यूज़ कर रही हूँ, तो ये 3 महीने
उससे ज़्यादा चलेगा आराम से। तो ये मेरा मॉर्निंग का रहता है और बस मैं अभी और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। सो दीज आर द थिंग्स आई डू फॉर माई डेली स्किन केयर रेजिम। और कभी कभी जब मैं नेचुरल वे से मॉइस्चराइज नहीं कर पाती अपनी स्किन को, जैसे कि सम डेज यू आर लेजी और सम डेज यू सिंपली डोंट हैव टाइम, तो एट दैट टाइम आई यूज दिस फॉरेस्ट एसेंशियल लाइट डे लोशन। सो आई यूज दिस और ये 40 ml का है और ये मेरा काफ़ी दिन चलता है, ऑलमोस्ट 5-6 months से भी ऊपर हो जाता है एक बॉटल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जनरली आई डू ऑल द नेचुरल रेमेडीज फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड कीपिंग माई स्किन हेल्दी। मोस्टली आई यूज़ दिस टू मॉइस्चराइज माई हैंड्स एंड लेग्स, बट ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ऑल्सो पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड फ्री विथ ऑल द हार्मफुल केमिकल्स। सो दिस ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम अमेजोन। मैं बाहर जाती हूँ तब आई यूज़ अ सनस्क्रीन लोशन, फॉर दैट आई यूज दिस लोटस सनस्क्रीन लोशन। एंड इवन न्यूट्रोजीना सनस्क्रीन लोशन इज ऑल्सो वेरी गुड, तो मैं ओकेजनली कभी ये यूज़ करती हूँ कभी न्यूट्रोजीना। तो बेसिकली दिस कवर्स माई एंटायर स्किन केयर रेजिम। एज फार एज बॉडी लोशन और बॉडी ऑयल इज कंसर्न, तो मैं शावर लेने के पहले आई यूज़ रॉ मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। सो आई अप्लाई इट फॉर एटलीस्ट 10 minutes एंड देन आई वॉश इट। नाउ सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू कवर। ये जो मैंने स्किन रेजिम बताया ये तो हम लोग जो एक्सटर्नली अपने बॉडी को कर रहे हैं उसके बारे में है, बट द मेन पार्ट कम्स इज द इंटरनल केयर विच वी नीड टू टेक। आप कितना ही बाहर से अपने स्किन को अगर हाइड्रेट मॉइस्चराइज कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने इंटरनली इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कीप एन आई ऑन माई डाइट, दैट इज़ मैं ज़्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड ये सब अवॉइड करती हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज डू एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज से जो स्वेट निकलता है तो दैट हेल्प्स टू टेक आउट ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, एज वेल एज कि जो वो जो एंडोमोफिन हॉर्मोन्स रिलीज करता है आफ्टर यू एक्सरसाइज, बेनिफिशियल फॉर द गुड स्किन एंड हेयर। तो एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो अ मस्ट। एंड थर्ड एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो ये बहुत कम लोग बोलते होंगे, बट आई हैव सीन इट माई सेल्फ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑफ योर लाइफ से आपके जो फेस है उसे बहुत असर पड़ेगा। टू बी हैप्पी, टू बी चेयरफुल, ये अपने आप को बहुत ही हेल्पफुल होता है टू कीप योर फेस यूथफुल। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव पीपल के साथ रहोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा एंड दैट विल डेफिनेटली शो ऑन योर फेस इन फॉर्म ऑफ रिंकल्स या कुछ फ्रेकल्स या कुछ भी। तो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है अपने टोटल वेलबींग के लिए, एज वेल एज फॉर स्किन एंड द यूथफुलनेस ऑफ योर फेस। इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड अलॉन्ग विथ ऐसे कि वाटर हो गया, वेरियस टाइप ऑफ कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, बट ऑफकोर्स नेचुरल जूसेज ही लीजिए। टेट्रा पैक या आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल जूस विल नॉट हेल्प फॉर योर बॉडी एज वेल एज फॉर योर स्किन एंड हेयर। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक फ्रेश जूसेज एंड वाटर इज ऑफकोर्स अ वेरी मस्ट थिंग फॉर आर बॉडी। लास्ट पॉइंट विल बी यू नीड प्रॉपर स्लीप। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल वेलबींग के साथ साथ इंटरनल भी आपको मेंटेन करेंगे, वी विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड स्किन। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्रिप्शन फ्री है। एंड डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या।